साइको फिजिक्स सेंसरी थ्रेशोल्ड एन अदर टॉपिक इन साइको फिजिक्स इज सेंसरी थ्रेशोल्ड्स तो वट आर सेंसरी थ्रेशोल्ड आम जबान में थ्रेशोल्ड हम दहलीज को कहते हैं हम जब किसी डोरवे से एंटर होना चाहते हैं कमरे में तो दहलीज को क्रॉस करते हैं साइको फिजिस कहते हैं कि स्टिम्यूलाय को भी ब्रेन में एंटर होने के लिए एक थ्रेश को क्रॉस करना होता है और वो तभी क्रॉस करता है जब उसका एक्शन पोटेंशियल यानी उसकी एनर्जी या उसकी इंटेंसिटी इतनी हो कि ब्रेन उसे रजिस्टर कर सके वो ब्रेन में एंटर हो सके दैट्स वाई वी स्टडी थ्रेश इन सेंसेशंस दैट आर पार्ट ऑफ आर सेंसरी सिस्टम साइकोफिजिक्स में डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं साइकोफिजिकल स्टडीज़ में ऑब्ज़र्वर्स को ये कहा जाता है कि इन दोनों में से एक जजमेंट करो जो आपको स्टिमोलाय दी गई है अगर एक ट्रायल पे आपने वो आवाज़ सुनाई है और वो कहता है हाँ सुन सुनाई दे रही है आप और ऊंचा करते हैं सुनाई दे रही है सुनाई दे रही है कुछ ट्रायल्स ऐसे होते हैं जिनमें आप उसको बहुत लो इंटेंसिटी पे रखते हैं और वो कहता है नहीं 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 अभी तक नहीं सुनाई दी सो देर इज अ जजमेंट रिक्वायर्ड अबाउट द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ अ स्टिमुलस एब्सोल्यूट जजमेंट्स कैन बी सिंपल स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सिग्नल येस आई सॉ इट और नो आई डिड नॉट सी ये आपका पार्टिसिपेंट आपको बताएगा और डायरेक्ट एस्टिमेट्स अबाउट सम प्रॉपर्टी ऑफ द स्टिमुलस फॉर एग्जांपल वो आंसर करेगा हाउ मेनी ग्राम्स डस दिस वे वेरी ऑफन इन आर डेली लाइफ वी आर एस्टिमेटिंग ये एक पाउंड का होगा एक के जी का होगा ये तो पाओ का होगा बट दोज आर नॉट एग्जैक्ट एस्टिमेट दोज आर नॉट एग्जैक्ट वेट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वो हमारी एस्टिमेट्स होती हैं सो so, आप इस तरह की भी जजमेंट पूछ सकते हैं हाउ मच डू यू थिंक दिस ऑब्जेक्ट वेज इसका वजन क्या है और जो वो वजन बताएं फिर उसको एक्चुअल वजन से देखें कि कितने की एस्टिमेट करेक्ट है तो so, यूजली हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो उनकी जजमेंट्स होती हैं वॉट इज एप्सोल्यूट थ्रेशोल्ड अ थ्रेशोल्ड बेस्ड On an observer's ability to detect a signal is called an absolute threshold. Detect means they can see it or hear it or they feel the touch or taste. So To detect. If two stimuli must be compared on a particular trial, a relative judgment is required. दो स्टिमुलस देखे दो स्टिमुलाए देखे ये ज्यादा भारी है या ये ज्यादा भारी है ये लाइन बड़ी है या ये लाइन बड़ी है या कौन सी लाइन किस लाइन के बराबर है तो ये जो हम कंपेरिजन करते हैं तो वो एक और तरह का स्टेटमेंट उनसे चाहिए होती है स्टिमुलस इज लार्जर देन और स्मॉलर देन स्टिमुलस बी ये वो जवाब देगा कैन बी मेड और डायरेक्ट एस्टिमेट कैन बी मेड सच एस स्टिमुलस एज ट्वाइस एज लार्ज एज स्टिमुलस बी तो ये दोनों तरह के जवाब हमें अपने ऑब्जर्वर से चाहिए होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में अब जब आप डिटेक्ट कर रहे हैं सिग्नल को कि ये आवाज सुनी आपने या ये लाइट आपको नजर आई या ये चीज टच होती हुई स्किन पे महसूस हुई क्योंकि जब हम स्किन के टच का महसूस करने की जजमेंट लेते हैं तो वो देख नहीं रहे होते कि आपने उन्हें वो दो पॉइंट लगाए हैं या एक पॉइंट लगाया है दे आर जस्ट जजिंग कि वो आ गया है और वो आपको दो पॉइंट महसूस हुए हैं या एक हुआ है नाउ वैन वी कंपेयर टू स्टिमुलाय इन देयर रेलिटिव फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द स्टेटमेंट दैट योर ऑब्जर्वर इज गिविंग इज अबाउट हाउ बिग दिस लाइन इज कम्पेयर टू दिस लाइन और दिस लाइन इज बिगर देन दिस लाइन और दिस एब्जेक्ट इज हैवियर देन दैट ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड द डिफरेंस थ्रेशोल्ड इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट जजमेंट इट्स अ कंपेरिजन जजमेंट जर्मन वर्ड है दिमन विच मेक्स आर वर्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड डी एल इसको कहते हैं और एब्सोल्यूट थ्रेशोल को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी साइकोफिजिक्स के जबान में ए एल कहते हैं